हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिब्रा तुला राशि की रीडिंग हम करने वाले हैं और तुला राशि के लिए साल के 2 महीने बचे नवंबर और दिसंबर में क्या एनर्जीज हैं चेक करेंगे, क्या गाइडेंस आती है वो भी चेक करेंगे और नए साल की रीडिंग भी हम जल्दी ही लेके आएंगे राशि वाइज। तो आप चैनल पर बने रहिए और अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं 2025 आपके लिए कैसा रहेगा तो आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर अपनी एक बुकिंग ले सकते हैं, पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है 2025 की रीडिंग्स पर, 30 नवंबर तक डिस्काउंट है रीडिंग्स पर, तो आप बिल्कुल से संपर्क कर सकते हैं। चलिए लिब्रा तुला राशि वाले लोगों के लिए सन मून राइजिंग और वीनस से अगर आप तुला राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो इस रीडिंग को आप अभी कभी भी देखें, इसमें आपके लिए गाइडेंस या आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। लिब्रा वी हैव द स्टार कार्ड, यू आर द स्टार ऑफ द शो। आप काफी उत्साही हैं, काफी होप में हैं, काफी सारे अचीवमेंट्स आपके होने वाले हैं। मतलब आपने कुछ अगर सोच रखा हो कि ये मेरा गोल है, ये मुझे पाना है, तो अभी आने वाले टाइम में आप इसको पा सकते हैं। यू आर गिविंग योर 100%, भर भर के आप एफर्ट लगा रहे हैं, कंप्लीटली इमर्स्ड इन योर वर्क, वेरी होपफुल कि सक्सेस मिलेगा। इस वक्त तो आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, इस वक्त आप बहुत काम कर रहे हैं, बट आपको पूरी आशा है कि इस काम का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। और फिर जब फल मिल जाएगा तो फिर हम बहुत आराम से बैठ के वो फल खाएंगे, फिर हम बाद में रेस्ट करेंगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। अभी काम कर लिया जाए और रेस्ट हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, और अभी हम वर्क करेंगे, फिर हम स्पिरिचुअल वर्क थोड़े समय बाद करेंगे, साधना हम बाद में करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा 3D मटीरियल एनर्जी में है, पैसा कमाना है, नेम कमाना है, ऊंचाई पे जाना है। अरे यार ये डेथ कार्ड क्यों मेरा पीछे पड़ गया है, नहीं लूंगी। और फिर बाद में हम एकदम से बदल जाएंगे, डेथ कार्ड नहीं लूंगी, पर डेथ कार्ड का मीनिंग तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा सोच रहे हैं अभी, पता है कि अभी काम कर लेते हैं और बाद में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेंगे, अभी मटेरियल्स सक्सेस को एंजॉय करते हैं फिर बाद में एक स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय करते हैं, अभी भोग को एंजॉय करें फिर बाद में त्याग को एंजॉय करेंगे, ऐसा आप सोच रहे हैं या ऐसा आप चाहते हैं करना। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, अ फॉर्मर एकेडमिशियन एंड नाउ वर्किंग एज अ टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। और मैंने आपके लिए रेडी किया है ये फ्री क्विज। ये फ्री क्विज आपकी मदद करेगा ये जानने के लिए कि आपके लिए कैसा पार्टनर होगा एक परफेक्ट मैच। ये क्विज आपकी मदद करेगा आपके दिल की गहराई में झांक कर ये समझने के लिए कि आखिर आपके लिए एक पार्टनर में क्या मायने रखता है, और ये कि आपको कौन सा साथी सूट करेगा, यानी आपके आदर्श साथी में कौन से गुण होने चाहिए। यही नहीं, इस क्विज के रिजल्ट्स पर हम क्विज के बाद चर्चा भी करेंगे और आपके लव रिलेशंस के लिए यूजफुल टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस इस वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करें या व्हाट्सएप करें मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और इस क्विज को शुरू करें। आपका सच्चा प्यार एक क्लिक दूर है। और अगर ये क्विज आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि इसके रिजल्ट्स आपकी मदद कर रहे हैं तो आगे आप मेरे वेबिनार और मेरे कोर्सेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आपको आपके परफेक्ट मैच को मिलाने में बहुत मददगार साबित होगा। बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके नाइन ऑफ लोटस इज नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलिंग का कार्ड है। यस, आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, नॉन स्टॉप लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वांड्स कार्ड, द मून कार्ड, द हायरोफेंट कार्ड एंड वी हैव द फोर ऑफ स्टेव्स कार्ड। वाओ वाओ, हर्मिट के साथ हायरोफेंट, स्टार के साथ
द स्टार द मून 17वां नंबर का कार्ड है, फिर 18वां नंबर का कार्ड है, लवर्स कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है और टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स और एवा वॉन्ड्स कार्ड एक लाइन में, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द हायरोफेंट, द लवर्स. देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल यूनियन इज वेटिंग फॉर यू, आपके लिए स्पिरिचुअल यूनियन वेट कर रही है. फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है विच इज 11-11 कार्ड विच इज अ ट्विन फ्लेम कार्ड, आपके लिए एक ट्विन फ्लेम यूनियन गवर्नमेंट ने नहीं यूनिवर्स ने आपके लिए एक ट्विन फ्लेम यूनियन डिजाइन करके रखी. ये रहा एक और ट्विन फ्लेम यूनियन का कार्ड, आपके लिए एक ट्विन फ्लेम यूनियन डेस्टाइंड है, अगर आप चाहें तो उसको पा सकते हैं, लेकिन वो होगा इस फेज में जब आप अपने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आओगे, जब आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आओगे, जब आप अपने इस हजल कसल वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे. ये जो वर्क 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 एंड मनी ये लेना है वो लेना है राइट, उसमें से जब आप बाहर आओगे और एक बिल्कुल डिफरेंट, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा, आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाओगे. मतलब यहाँ पर जैसे मैंने बोला, यहाँ भोग है और यहाँ त्याग है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन है और यहाँ सारे आंसर्स हैं, और यहाँ पे सोल मतलब मीन्स लाइक सोल एनर्जी, यानी कि अकेले अकेले वाली एनर्जी, यहाँ यूनियन एनर्जी है. यहाँ पे आपका पूरा ध्यान वर्क पर है, यहाँ आपका पूरा ध्यान अपने इस पर्टिकुलर पार्टनर पर है. ओके, एंड यू हैव टू ऑफ एस ऑफ स्टेप्स, टू ऑफ स्टेप्स, आपके अंदर जो आप चाहें, जो आप सोचते हैं उसको पाने की काबिलियत है. प्लानिंग आप बना सकते हैं, प्लानिंग करके जो आप पाना चाहें आप पा सकते हैं, और ये तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. और मुझे लगता है कि इस वक्त आप अपनी फिजिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूनियन यूनियन नहीं चाहते, आप अकेले अकेले रहना चाहिए, अकेला 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 आप अकेले रहना चाहते हैं, और अकेले रहकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ वो पाना चाहते हैं. दुनिया में जो भी सफलताएँ हैं आपकी, वो ऊंचाई पे ऊंचाइयाँ आप पाना चाहते हैं, बट आपकी एक 100% एक और 100% एक और टाइमलाइन है जहाँ पर आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन बनी हुई है. वेल, आपके ये तो आपके सोचने और आपके विचार करने का है कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए. आप जिस दिशा में बढ़ना शुरू कर दोगे, जिधर एनर्जी देना शुरू कर दोगे, वो पाथ आपके लिए बनना शुरू हो जाएगा. सक्सेस आपको जहाँ भी जाओगे आपको मिलेगी. आप अगर इस ट्विन फ्लेम यूनियन को छोड़ के अपनी पर्सनल ग्रोथ वगैरह वाली, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ वाली टाइमलाइन को चूज करते हो, इट्स ओके, वहाँ भी आपके लिए अच्छा है. इसको छोड़ के अगर आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को परस्यू करना चाहते हो, अगेन वो भी अच्छा है, क्योंकि इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन एंड इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंसेस, कि आप क्या प्रिफर करते हो अभी इस वक्त अपनी लाइफ में, जो आपकी इच्छा होगी. योर विश विल बी ग्रांटेड बाय द यूनिवर्स, आपकी आपकी जो इच्छा है आपकी हुआ, देखो आपकी जो इच्छा है पूरी की जाएगी. जो जिस चीज पर आप भरोसा करते हो, ईश्वर आपको कहेगा कि ओके, दरखास्त तो दिया जाता है. ओके, आने वाले समय में देखो, ऐसा मुझे लगता है कि वैसे आप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, नथिंग, लेकिन आपके अंदर दिन ब दिन भगवान को लेके, यूनिवर्सल एनर्जीज को लेके, या खुद पर भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आपका खुद पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, आपका ईश्वर पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, आपका स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी इन योर लाइफ, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन, अवेकन फेमिनिन इन योर लाइफ, हु इज शेयरिंग हर एनर्जी विद यू, और हु इज शेयरिंग हर विजडम विद यू, हु इज शेयरिंग सपोर्ट, हु इज गिविंग सपोर्ट टू यू. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आपके ट्रस्ट को बिल्ड करने में एक डिवाइन फेमिनिन आपकी बहुत मदद कर रही है, और इसलिए ना चाहते भी जैसे आप जितना वर्क आपको करना चाहिए उतना कर तो नहीं पा रहे हो, पर फिर भी दिन ब दिन आप पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन होते जा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है. और जितना जितना आप स्पिरिचुअली अलाइन होते जा रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में उतनी ग्रोथ आपको मिल रही है, उतनी अबंडेंस आपको मिल रही है, उतनी सक्सेस आपको मिल रही है,
और जितनी जितनी आपको सक्सेस मिलती जा रही है, आप उतना उतना और ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइन होते जा रहे हो, और ज्यादा आपका यूनिवर्स के प्रति ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, वो आपके यूनिवर्स के प्रति आपका ट्रस्ट बढ़े, आप भगवान पर भरोसा करें, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो और भगवान या यूनिवर्स आपके लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इस ट्रस्ट में आप आ जाओ, इसीलिए आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है। और आप चाहे कर कुछ भी रहे हो, मन स्पिरिचुअल वर्क करते हुए तो नहीं दिख रहे अभी, बट फिर भी आपके अंदर अलाइनमेंट आ रहा है। आप वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तरह से दो पर्सनैलिटी में, डुअल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो चुके हो। एक आपका हिस्सा है आउटर हिस्सा, बाहरी हिस्सा, जो कि बहुत ज़्यादा 3D बेस्ड लाइफ जी रहा है, मतलब बहुत सफलता की दिशा में जा रहा है। एक हिस्सा आपका आपके अंदर से अलग हो चुका है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो चुका है। एक हिस्सा आपका 3D सक्सेस को चेस कर रहा है, एक हिस्सा आपका ऑलरेडी मे बी इन द 5D आपका यूनियन हो चुका है अपने ट्विन फ्लेम से। यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद योर ट्विन फ्लेम, यू ऑलवेज फील लाइक यू आर इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। और इसलिए भी हो सकता है कि आप इस वक्त चेज नहीं करें, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरनल यूनियन फील करते हो, ऑलरेडी आप इंटरनल ये स्पिरिचुअल अलाइनमेंट फील करते हो, और इसलिए आपको लगता है कि अगर 5D में ये यूनियन अभी अभी मैनिफेस्ट ना भी हो पाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारी चीजें हैं और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ठीक है, तो वो मुझे लगता है। और वो किसी लैक मेंटालिटी की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि यू नो दैट यू लव दिस पर्सन एंड यू नो दैट दिस पर्सन लव्स यू, और इसलिए अंदर से आप इतने ज्यादा एक हो कि बाहर से साथ हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब नहीं फर्क पड़ता है तो फिर वो जो समय है जिसको कि यूनियन मैनिफेस्ट करने में लगाया जाए, क्यों ना उस समय को अपनी सेल्फ ग्रोथ में लगा लिया जाए। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स टावर कार्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक सडन चेंज आएगा, मतलब बहुत ज्यादा, जब आप एक ऐसा समय आएगा कि जब आपने जो पाना था सब पा लिया, एवरीथिंग, मतलब मटेरियल लाइफ में आप सब कुछ आपको जब मिल जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि नेक्स्ट व्हाट, अब आगे कहाँ, अब आगे कहाँ जाऊँ। वाओ, टू ऑफ कप्स, और तब आपको इस पर्सन का ध्यान आएगा। अब यही एक चीज बची मुझे पाने के लिए, लेटिंग गो। लेकिन ये इंसान, नो नथिंगनेस। जब आप रेडी हो गए यूनियन के लिए, क्या ये पर्सन भी आपके लिए अवेलेबल होगा, ये क्वेश्चन की बात है। जब आप रेडी हो गए तब क्या ये पर्सन अवेलेबल भी होगा आपके लिए, या फिर ये पर्सन हीलिंग जर्नी में थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा आपसे, और आप उसके साथ अलाइन होने के लिए देर ना हो जाए आपको कहीं। ओके, सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया, फिर आपको ऐसा लगे कि मैं तो अपने आप में अकेला ही ठीक हूँ, बढ़िया ही, अकेला ही अच्छा था, क्यों किया जाए, किसके लिए किया जाए। बहुत ज्यादा अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, अकेलेपन की एनर्जी नजर आ रही है। वैसे आप अकेले में अभी खुश हैं, अकेले में अपनी एक लाइफ को बिल्डअप कर रहे हैं, मे बी आपने इस समय में अपनी ट्विन जर्नी को थोड़ा साइडलाइन कर दिया है, और आपको लगता है कि अब इसकी कोई खास अब जरूरत नहीं रही है मेरी लाइफ में, मैं अपने आप में भी कंप्लीट हूँ और मैं अपने लिए जी सकता हूँ, मैं अपने लिए लाइफ बना सकता हूँ। लेकिन एक को लेवल ऑफ कंप्लीशन के बाद फिर अगर जब ये लगेगा कि अब ये एक ही चीज थी जो मैं जिंदगी में नहीं पा सका, और वो चीज थी ये पर्सन, तो वहां पर फिर कहीं ना कहीं फिर से वही अकेलेपन की फीलिंग आ जाए, या ऐसा कुछ मुझे आपके लिए लग रहा है। और फिर आप उस साइकिल को रिपीट करेंगे कि छोड़ो, जाने दो, मैं अपने आप में अकेला हूँ, मस्त मल्ला हूँ, फिर अपनी लाइफ को क्रिएट करना, फिर चीज़ों को बेरुखी के साथ, बेपरवाही के साथ जिंदगी को जीना शुरू कर देना, फिर से वही
लोन वुल्फ वाली जिंदगी जीना शुरू कर देना, मैं अकेला ही भला हूँ, मैं बढ़िया ही भला हूँ, इस तरह का कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है। ओके, विच इज स्ट्रेंज, हाँ अजीब सा कुछ है यहाँ पर। आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देखते हैं। क्राउन चक्रा गॉडेस, हाँ मैंने कहा ना कि कोई एक लेडी फिगर है आपकी लाइफ में, डिवाइन फेमिनाइन फिगर है जो आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही है। पढ़ाई चक्रा, और वो आपको इंट्यूशन भी हो रहे हैं, आपको डाउनलोड्स भी हो रहे हैं, और आपको आपके एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको अपनी सक्सेस ही प्यारी है, इस वक्त आपको अपनी सक्सेस पर ही जाना है। और आप वैसे इस वक्त बहुत ज्यादा फेथफुल है, वो मैंने बोला ना, आपका ट्रस्ट बढ़ गया कि जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, मैं पॉजिटिव ही रहूंगा, मैं अच्छा ही रहूंगा, मैं अच्छी जिंदगी को ही विजुलाइज करूंगा, मैं अच्छी दिशा में ही बढ़ूंगा, और फिर आगे जो भी होगा उसको एट द मोमेंट तभी मैं देख लूंगा। ठीक है, डर को कॉन्कर करा है आपने, डर को जीत लिया है आपने। यू डोंट केयर कि कल क्या होने वाला है, जो आज हो रहा है, जो सही हो रहा है, वो मेरे लिए बेस्ट है, और मैं इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं चाहता, ये आप सोच रहे हो, और यही गाइडेंस भी आपके लिए। ठीक है, तो जो गाइडेंस है वही करते रहिए, बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी इंट्यूशन, आपके गाइड्स, आपके आपका थर्ड आई पर जो भी डाउनलोड हो रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए। अपनी सक्सेस, जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करने में सक्सेस है, तो उसी चीज को फॉलो करते रहिए, उसी पाथ को फॉलो करते रहिए। उसके अंदर कभी अप्स एंड अप्स भी आएंगे, कभी डाउन्स भी आएंगे, कभी अति सक्सेस भी मिलेगी, और कभी मे भी कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस भी होंगे, कभी पुरानी यादें भी आएंगी। आई डू थिंक कि आप उन सब से ओवरकम कर लोगे, और अल्टीमेटली आप एक फाइन बैलेंस, इंटरनल बैलेंस, एक फाइन इंटरनल बैलेंस आप अल्टीमेटली अचीव करोगे, यूनियन विद सेल्फ आप अचीव करोगे। मे बी दिस ट्विन फ्लेम यूनियन आपके लिए इस लाइफ टाइम पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन जिस भी रास्ते से आप गुजर रहे हो, अंत में एक इंटरनल फाइनल बैलेंस तो आप जरूर अचीव करोगे। दिस इज अ यूनियन कार्ड एक्चुअली, दिस इज अ हो वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटेकल्स, हो वाओ, वी हैव लवर्स कार्ड, यूनियन कार्ड। मुझे लगता है कि अंत में जाकर तो ये ट्विन फ्लेम यूनियन आपके लिए मैनिफेस्ट होगी, ये एक फुलफिलिंग लाइफ आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ठीक है, आप जो भी कर रहे हो वही करते जाओ, और वही होगा जो कि आपके लिए लिखा हुआ है। फेटेड मीटिंग है, फेटेड यूनियन है, वो होगी ही होगी, चाहे आप उसको मैनिफेस्ट करो या ना करो, या उसके लिए आप कोई प्रयास करो या ना करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं रीडिंग लूंगी, मैं उनसे अगेन मैं रीडिंग लूंगी, और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। बिल्कुल, तो प्लीज प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का, आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं कब मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज, और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई, गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किसे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी, और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो, और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई, और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी,
जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मन चाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पर एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइड और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए।
और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली, और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियाँ, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। का सबसे बड़ा
बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथ को सुदेश जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का